डियर स्टूडेंट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू दिस इज़ हेमलता मैम फ्राम अदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स आज आपको मैं ग्रामर जो है वो करवाऊंगी तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है सिंपल कम्पाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तो आपको मैं सिंपल कम्पाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज जो है वह करवाऊंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो चीज़ें आपकी करने वाली होती हैं इस इसको करने के लिए इस टॉपिक को करने के लिए आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में पता होना चाहिए आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको फ्रेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए क्लॉज क्या होते हैं सेंटेंसेस क्या होते हैं ठीक है तो इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए देन आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है कि सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं कंपाउंड कौन से होते हैं कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं तो आपने जो वर्ब पढ़ी हुई है पहले आपने जैसे पढ़ी हुई थी मेन वर्ब हो गई ठीक है एग्जॉल वर्ब होगी तो ये वर्ब के फॉर्म्स बढ़ी हुई हैं तो आज जो न्यू फॉर्म है इसकी फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है क्योंकि ये चीज़ें भी आपके नॉलेज में होनी चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है तो फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब चेंज इट्स फॉर्म कि इसकी जो फॉर्म होती है वह चेंज हो जाती है नॉन फाइनाइट वर्ब रिमेन्स द सेम और ये सेम रहती है अब देखिए कि ये जो वर्ब है फाइनाइट वर्ब जो है आपकी फाइनाइट वर्ब ये अकॉर्डिंग टू आपके नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है देन टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है ठीक है जैसे नंबर कौन से हो गए सिंगुलर प्लूरल उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगी पर्सन आपकी फर्स्ट पर्सन हो गया सेकेंड पर्सन हो गया थर्ड पर्सन हो गया उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होती है आपका टेंस पास्ट में है प्रेजेंट में है फ्यूचर में है उसके अकॉर्डिंग आपकी ये वर्ब जो है वो चेंज हो जाती है फाइनाइट वर्ब मतलब फाइनाइट वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म कि इसकी जो फॉर्म होती है वो चेंज होती है फाइनाइट वर्ब में और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है रिमेन द सेम वो चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू टेंस अकॉर्डिंग टू पर्सन अकॉर्डिंग टू नंबर ये कभी भी चेंज नहीं होगी नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होती फाइनाइट वर्ब जो है वो चेंज हो जाती है ठीक है इसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू नंबर पर्सन टेंस तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है आई इन्जॉय टीचिंग इंग्लिश कि मैं टीचिंग इंग्लिश जो है वो पढ़ाना मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाना जो है इन्जॉय करता हूँ आई इन्जॉयड टीचिंग इंग्लिश आप ये देखिए किस में है ये आगे प्रेजेंट में इन्जॉय ये आगे पास्ट में ये आगे फ्यूचर में आई विल इन्जॉय ठीक है तो यहाँ पे देखिए कि इसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो गई है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रेजेंट में जैसे आई आई इन्जॉय ठीक है तो यहाँ पे आई इन्जॉय है लेकिन जब इसके पास्ट में गिर क्या हो गया आई इन्जॉयड आई इन्जॉयड तो यहाँ पे ये इसकी फॉर्म चेंज हो गई है, है तो ये वर्ब है ना इंजॉय करना वर्ब ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस ये क्या हो होगी चेंज हो गई है तो जो अकॉर्डिंग टू टेंस आपकी वर्ब चेंज होगी वो आपकी होगी फाइनाइट वर्ब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनाइट वर्ब ठीक है अकॉर्डिंग टू टेंस अकॉर्डिंग टू नंबर अकॉर्डिंग टू पर्सन तो आपकी अगर वर्ब चेंज होती है तो वो आपकी होती है फाइनाइट वर्ब और अकॉर्डिंग टू नंबर अकॉर्डिंग टू पर्सन अकॉर्डिंग टू टेंस जो चेंज नहीं होगी वो आपकी होगी नॉन फाइनाइट वर्ब जैसे ये देखो ये यहाँ पर ये भी वर्ब है इन्जॉय वर्ब है टीचिंग भी वर्ब है बट यहाँ पे इंजॉय जो है वो चेंज हो गया है और टीचिंग तीनों में सेम रहा है चाहे वो प्रेजेंट की बात हो चाहे वो पास्ट की हो चाहे वो फ्यूचर की हो लेकिन ये जो वर्ब है आपकी टीचिंग तो ये चेंज नहीं हुई ये सेम रही तो ये नॉन फाइनाइट वर्व है सिंपल वर्ड्स में यही कि फाइनाइट वर्व जो है आपकी जो वर्व होती है वर्व आपकी अकॉर्डिंग टू टेंस आपका जो टेंस होगा चाहे वो प्रेजेंट में होगा चाहे वो पास्ट में होगा चाहे वो फ्यूचर में होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू नंबर सिंगुलर होगा अगर यहाँ पे मैं प्लूरल लेती तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जानी थी सिंगुलर के अकॉर्डिंग चेंज हो जानी थी ठीक है नंबर के पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे आई यू ही शी वरना पर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन उसके अकॉर्डिंग अगर ये आपकी जो वर्ब चेंज होती है तो वो फाइनाइट वर्ब होती है और जो चेंज नहीं होती देखिए यहाँ पे आई है मतलब ये प्रेजेंट में है ये पास्ट में है ये फ्यूचर में है लेकिन ये देखो टीचिंग यहाँ पे सेम रहा ये वर्ब चेंज तो नहीं हुई तो जो चेंज नहीं हुई वो नॉन फाइनाइट होती है जो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू टेंस अकॉर्डिंग टू पर्सन अकॉर्डिंग टू नंबर वो आपकी फाइनाइट वर्ब होती है आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी अब देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है आई रीड बुक्स ठीक है आई रीड बुक्स शी रीड्स बुक्स तो ये देखिए यहाँ पे आई है यहाँ पे मतलब अकॉर्डिंग टू पर्सन आई है यहाँ पर तो आई के साथ रीड है लेकिन यहाँ पे शी है तो यहाँ पे रीड्स तो यहाँ पे देखिए आपकी जो जो वर्ब है तो ये वर्ब है ना रीड तो ये चेंज हो गई है तो ये कौन सी हुई ये आपकी हुई फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब जो है वो आपकी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू आपके टेंस अकॉर्डिंग टू आपके पर्सन अकॉर्डिंग टू आपके नंबर तो ये आपके यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज होती है नेक्स्ट देखिए मीरा प्लेज क्रिकेट जो मीरा है वो क्रिकेट खेलती है अब ये देखिए यहाँ पे मीरा सिंगुलर है मीरा यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर सिंगुलर के लिए प्लेज इसकी वर्ब देखिए ये प्लेज है यहाँ पर प्लेज क्रिकेट तो यहाँ पे प्लेज लगा हुआ है यहाँ पे मीरा एंड प्ले क्रिकेट तो यहाँ पे वर्व की जो फॉर्म है वो चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ठीक है वो चेंज हो जाए तो वो आपकी फाइनाइट वर्ब होती है तो ये आपकी फाइनाइट वर्व है नेक्स्ट अब देखिये नॉन फाइनाइट के बारे में मैंने आपको बताया कि नॉन फाइनाइट जो होती है वो चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू तो आपकी नंबर हो गया आपका पर्सन हो गया टेंस हो गया उसके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होती अब फाइनाइट वर्ब जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है वो होती है थ्री टाइप्स की इंफिनेटिव जीरन और पार्टिसिपल ठीक है तो इन्फिनेटिव जिरन और पार्टिसिपल इसकी थ्री टाइप्स होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की तो सबसे पहले आपको जो जीरण है वो मैं क्लियर करवाऊंगी क्योंकि जीरण जो है वो क्या होता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है आई लाइक डांसिंग अब देखिए जीरण क्या होता है जीरण एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है एज अ ऑब्जेक्ट भी काम करता है मतलब नाउन की तरह इसने काम करना होता है ठीक है एज अ नाउन ये काम करता है उसमें सब्जेक्ट भी होता है ये ऑब्जेक्ट भी होता है जैसे आई लाइक डांसिंग कि मुझे डांसिंग जो है वो बहुत पसंद है जीरण की सबसे पहले जो आ, इसकी पहचान होती है वो क्या होती है वर्ब प्लस आई ठीक है आई इसके साथ लगा होता है वर्ब के साथ आई लगा होगा तो वो आपका जीरण होगा लेकिन कहाँ पर अगर वो एज अ सब्जेक्ट काम है एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है नाउन के लिए ठीक है मतलब उसको नाउन हम मानेंगे लेकिन नाउन जब आएगा नाउन की जगह पे आएगा जैसे ठीक है एज अ सब्जेक्ट भी एज अ ऑब्जेक्ट भी जो नाउन होगा तो जैसे यहाँ पे आई लाइक डांसिंग आई लाइक डांसिंग तो देख यहाँ पे नाउन की तरह ये काम कर रहा है तो जब नाउन की तरह ये काम करेगा तो वो आपका होगा जिरण और हमेशा जिरन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी लगा होता है अब ये देखिए स्विमिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट स्विमिंग क्या है मेरी फेवरेट स्पोर्ट है ठीक है तो यहाँ पे स्विमिंग लिखा हुआ है स्विम वर्ब लगी है प्लस आईएनजी लगा है तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट है यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट है नाउन एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी लगा सकते हो मतलब ऑब्जेक्ट की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो सब्जेक्ट की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ कि स्विमिंग ठीक है तो स्विमिंग मतलब नाउन है ये कि स्विमिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट कि स्विमिंग जो है वो मेरा फेवरेट स्पोर्ट है तो जब भी आपके जो वर्ब प्लस आई एन जी ठीक है नाउन की तरह ये काम करे चाहे वो सब्जेक्ट लग like की तरह लगे आगे चाहे वो ऑब्जेक्ट हम इसको मतलब रखें ऑब्जेक्ट की तरह रखें तो ये आपका क्या होता है जीरण तो जिरण की पहचान यही है वर्ब प्लस आईएनजी तो ये होता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब नेक्स्ट देखिए आप देखिए इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव क्या होते हैं इन्फिनेटिव होता है टू इन्फिनेटिव और एक होता है वेयर इन्फिनेटिव तो टू इन्फिनेट भी कौन सा होता है यहाँ पे टू का यूज़ होता है और वेयर इन्फिनेटिव कौन सा होता है यहाँ पे टू का यूज़ नहीं किया जाता फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डांस आई वॉन्ट टू डांस अब ये देखिए आई वॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ आई वॉन्ट वॉन्ट भी वर्ब है यहाँ पर टू डांस टू डांस भी यहाँ पे वर्ब है अब देखिए इसकी पहचान हम कौन सा करें नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ पे वर्ब है आई वॉन्ट ये देखिए आई अगर I की जगह यहाँ पे ही होता ही वॉन्ट्स ये तो चेंज हो जाना था वॉन्ट्स बन जाना था तो ये आपका आना था finite लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ टू डांस टू डांस है तो ये भी वर्ब है ना टू डांस लेकिन पहले क्या लगा हुआ टू तो ये चेंज नहीं होना था चाहे ही होता चाहे यहाँ पे आई होता ये चेंज नहीं होना था ये चेंज हो जाना था लेकिन यहाँ पे टू लगा होगा तो जब टू लगा होगा तो वो आपका किस में होगा इन्फिनेटिव ठीक है टू इन्फिनेटिव ये है आपका तो ये किसका होता है ये किसकी फॉर्म होती है नॉन फाइनाइट वर्ब की नेक्स्ट एग्जाम्पल शी शी लिखो आई लिखो यहाँ पे आई होता आई क्रिएट आना था अब शी या शी क्रिएट्स ये तो आपकी चेंज होगी तो ये आपकी आगे फाइनाइट शी क्रिएट्स वीडियो टू टीच कि वो पढ़ाने के लिए वीडियो जो है वो क्रिएट करती है तो अब ये देखो यहाँ पे शी होता चाहे आए होता यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ये तो चेंज होगी आपकी वर्ब तो ये आपकी फाइनाइट लेकिन ये यहाँ पे चेंज नहीं हुई तो ये नॉन फाइनाइट है और नॉन फाइनाइट की ये कौन सी फॉर्म है जिरंट तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर आई नहीं लगा हुआ वर्ब प्लस आई नहीं लगा इसलिए ये जीरंट फॉर्म तो नहीं है ठीक है इसके साथ टू लगा हुआ है तो जब टू लगा हुआ है तो ये टू इन्फिनेटिव फॉर्म है मतलब ये इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म है देन आपका आ गया शी कांट गो आउट अब ये देखिए शी कांट अब यहाँ पे वर्ब लगी हुई है ठीक है एग्जाली वर्ब जो है आपकी यहाँ पे लगी हुई है शी कांट गो आउट गो आउट यहाँ पे भी वर्ब है आपकी लेकिन यहाँ पे टू का यूज नहीं किया गया क्योंकि ना ही यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है ना ही यहाँ पे टू का यूज़ किया गया है तो इसे हम कहते हैं वेअर इन्फिनेटिव मतलब विदाउट टू जिसे हम कहते हैं तो ये इसे वेयर इन्फिनेटिव कहते हैं ये इन्फिनेटिव ही होती है इन्फिनेटिव की मैंने भी आपको बताया कि टू फॉर्म्स एक टू इन्फिनेटिव एक वेयर इन्फिनेटिव तो यहाँ पे टू का यूज़ नहीं हुआ इसलिए ये कौन सी आपकी वेयर इन्फिनेटिव फॉर्म नेक्स्ट आ गया आई कुड नॉट स्विम तो मैं स्विम नहीं कर सकता तो यहाँ पे वर्ब लगी हुई है ये तो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट तो ये आपका आ गया फाइनाइट वर्व जो चेंज नहीं होती इनफाइनाइट वर्ब और इसकी कौन सी फॉर्म है सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये ये आपकी आगे वेयर इन्फिनेटिव फॉर्म अब थर्ड है आपका पार्टिसिपल अब देखिए पार्टिसिपल क्या होता है आपका जेरेंट मैंने करवा दिया इन्फिनेटिव करवा दिया मतलब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब जो होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ठीक है उसके वो चेंज हो जाते हैं जैसे नंबर उसका नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होगी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी तो वो होती है फाइनाइट वर्ब जैसे वर्क है तो वर्क्स बन जाएगा अगर यहाँ पे ही होगा आई होगा तो वर्क ही होगा तो वर्क्स हो जाएगा तो जो चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू टेंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सॉरी अकॉर्डिंग टू नंबर तो वो आपकी फाइनाइट वर्ब होती है लेकिन जो चेंज नहीं हो जो सेम रहे तो वो आपकी कौन सी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब तो नॉन फाइनाइट वर्ब की मैंने आपको थ्री फॉर्म्स जो हैं वो करवा रही हूँ उसमें से मैंने आपको टू फॉर्म्स करवाई हैं जीरन तो जीरन मैंने कहा कि वर्ब प्लस आई एन जी व प्लस आई एन जी लगा होता है तो वो आपके होते हैं जीरेंड और जीरण हमेशा मतलब स्टार्टिंग में होगा एज अ नाउन वो काम करता है तो मतलब आपका स्टार्टिंग में होगा या एंडिंग में होगा तो आई एन जी लगा होगा उसके साथ वो होता है आपका जीरन दूसरा मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट की दूसरी फॉर्म कौन सी होती है इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव जो है वो भी टू टाइप्स की होती है एक तो टू इन्फिनेटिवस होते हैं दूसरी कौन सी होती है वेयर इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव जहाँ पे टू का यूज़ होता है और वेयर इन्फिनेटिव यहाँ पे टू का यूज़ नहीं किया जाता अब लास्ट वन जो है आपकी वो आ गई पार्टिसिपल यहाँ पर मैंने आपको कुछ हिंट यहाँ पर दिए हुए है इसको भी देख लें कि जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो हमेशा कौन सी होती हैं वह फाइनाइट वर्ब ही कंसिडर की जाती है नेक्स्ट आपका आ गया पार्टिसिपल अब हम पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स आपने पढ़ी होंगी थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्व जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते होते थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब लेकिन वो थ्री फॉर्म्स नहीं होती उसमें पार्टिसिपल जो होती है आपकी फोर फॉर्म्स होते हैं कहीं फाइव इसको एज अ कंसिडर करते हैं तो ये देखिए कि पार्टिसिपल कौन कौन सी होती है पास्ट पार्टिसिपल होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल तो पास्ट पार्टिसिपल कौन सा होता है जो थर्ड फॉर्म लगाते हैं जैसे हम कहते हैं जैसे हो गया इसका ईटन हो गया ईटन हो गया ठीक है वॉगड हो गया तो जो थर्ड फॉर्म होती है वो आपकी होती है पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सी होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे ईट हो गया तो हम आईएनजी इसके साथ लगाएंगे तो ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी वो आपकी होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल आपकी कौन सी होती है जिसके हम थर्ड फॉर्म कहते हैं ना वो आपकी पास्ट पार्टिसिपल होती है तो अब इसमें देखिए आपको मैं बता दूं तो आज पार्टिसिपल जो है नॉन फाइनाइट वर्ब की जो थर्ड फॉर्म मैंने आपको करवानी है थर्ड टाइप इसकी पार्टिसिपल तो अब ये देखिए यहाँ पे आई हैड Cleaned the room. I had cleaned the room. अब ये देखो यहाँ पे ये एज अ participle काम कर रही है. एज अ नॉन फाइनाइट verb की एज अ पार्टिसिपल काम यहाँ रही है वो कैसे क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे. एक तो यहाँ पे ई डी लगा हुआ है ठीक है क्लेंड अब ये देखो अगर हम यहाँ पे हैव लिखेंगे आई हैव हैड की जगह अगर हम हैव भी करते हैं यहाँ पे, तब भी ये क्लिनड ही रहेगा ठीक है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है तो ये पार्टिसिपल यहाँ पे यूज़ हुआ है चाहे ये चेंज हो रही है ये वाली वर्ब चेंज हो रही है लेकिन ये चेंज नहीं हो रही तो ये किसके अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है पार्टिसिपल इसी तरह से सेम शी हैज़ गोन तो यहाँ पे हैड होता तब भी यहाँ पे गोन रहना था तो ये है पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे यूज है तो यहाँ पे ये देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आई एन जी का यूज हुआ जिरन और पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो डिफरेंस है वो क्या है इसको एज अ आप जीरेंड कंसीडर नहीं करोगे जीरेंड में फर, मतलब फ़र्क क्या था वो एज अ नाउन यूज़ होगी जैसे हम कहते हैं ना कि स्मोकिंग इज इंजर्ड टू हेल्थ तो स्मोकिंग एज अ नाउन यूज़ होगी तो जो एज अ नाउन यूज़ होगी वर्ब प्लस आईएनजी वो जीरेंड होता है लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हो रही है मतलब पार्टिसिपल यहाँ पर यूज़ हो रही है जैसे आई एम गोइंग आई एम गोइंग आई लगा हुआ वर्व के साथ आई लगा हुआ है तो ये पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यहाँ पे यूज़ की जा रही है आई एम गोइंग टू द सिनेमा शी इज ईटिंग अगर यहाँ पे शी इज शी इज की जगह वॉज भी कर दिया जाएगा तो ये चेंज नहीं होगी मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब की ये जो थर्ड फॉर्म है पार्टिसिपल तो ये देखो ईटिंग यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा तो ये एक तो नॉन फाइनाइट वर्ब है और उसकी आगे कौन सी टाइप है पार्टिसिपल यहाँ पे टाइप है ठीक है क्योंकि आई एन जी लगा होता लगा हुआ है जीरण नहीं है जीरण हमेशा एज अ नाउन यहाँ पे काम करेगा व प्लस आई एन जी एज अ नाउन काम करेगा ठीक है तो वो जीरण होता है ये जीरण नहीं है ये पार्टिसिपल है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है तो आपको ये आ, मैंने बता दिया कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है तो इस एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तो फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब क्या होती है आपकी अकॉर्डिंग टू नंबर अकॉर्डिंग टू पर्सन अकॉर्डिंग टू टेंस ठीक है जो आपकी वर्ब चेंज हो जाएगी जैसे ये आई है यहाँ पे ठीक है तो इन्जॉय जो है तो वो चेंज हो रहा है ये चेंज हो रही है यहाँ पे आई इन्जॉयड तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके नंबर के अकॉर्डिंग पर्सन के अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब जो है वो चेंज हो जाए वो फाइनाइट वर्ब होती है जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ठीक है मतलब आपके नंबर पर्सन टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज नहीं होगी वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी तो नॉन फाइनाइट वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं एक तो होती है जिरण एक होती है इन्फिनेटिव एक होती है पार्टिसिपल जिरण मैंने आपको कहा कि वर्ब प्लस आईएनजी लगी होती है तो वर्ब प्लस आईएनजी वो एज अ नाउन काम करेगी तो वो आपकी कौन सी होगी जिरण मतलब वर्व आई एन जी लगा होगा जो वो स्टार्टिंग में या एंडिंग में वो यूज़ की जाती है नाउन की तरह ही वो यूज़ की जाएगी वो आपकी जिरण होगी इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव मैंने आपको कहा है कि ये टू टाइप्स की होगी टू प्लस वर्व ठीक है टू लगा होगा इन्फिनेटिव एक तो वेयर इन्फिनेटिव होगी एक टू इन्फिनेटिव होगी तो टू इन्फिनेटिव टू प्लस वर्व लगा होगा और वेयर इन्फिनेटिव उससे पहले वर्व का यूज़ किया गया होगा जैसे कैन हो गया ठीक है गुड हो गया ये यूज़ होगी उसके बाद आपकी वर्ब यूज़ होगी तो वो आपकी कौन सी होगी वेयर इन्फिनेटिव तो पार्टिसिपल मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपल कौन कौन से होते हैं एक प्रेजेंट होता है एक पास्ट एक पार्टिसिपल होता है तो पास्ट पार्टिसिपल मैंने आपको कहा कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और प्रेजेंट मैंने आपको कहा है कि वर्ब प्लस आई एन जी यूज होती है लेकिन ये ना मतलब एज अ नाउन यूज़ नहीं होगी क्योंकि एज अ नाउन यू यूज़ होगी वो आपकी जीरेंट होगी वो कभी भी आपका पार्टिसिपल नहीं होगा तो यहाँ पे जैसे ये है कि आई एम गोइंग आई वॉज गोइंग भी होता तो ये सेम रहनी थी ये नॉन इन्फिनेटिव की फॉर्म होती है तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो क्लियर होगी होगी तो सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर लिस्टिंग हैवे नाइस डे थैंक यू